नमस्कार दोस्तों, मैं उपेंद्र सिंह एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल टीम ग्लोबल कोचिंग क्लासेस पर। और आपसे आशा करता हूं आप सभी अपने घर में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और प्रसन्नचित होंगे। तो जैसा कि हम आपके लिए कंप्यूटर की क्लासेज यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की क्लासेज लेकर आए थे, टीम ग्लोबल कोचिंग द्वारा आपसे ये वादा किया गया है कि आपको सुपर टेट के हर विषयों की तैयारी हमारे द्वारा आपको कराई जाएगी। तो सुपर टेट की इसी तरह क्लास हम कंटिन्यू करते रहेंगे और आज हम आपके लिए लेके आए हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की सेकेंड क्लास। पिछली क्लास में हमने आपको बेसिक इंफॉर्मेशन कंप्यूटर के बारे में बताया थी कि कंप्यूटर होता क्या है, उसकी परिभाषाएं किस तरह से वो वर्क करता है, उसके कंपोनेंट क्या हैं और उसके क्या क्या एग्जांपल हैं, कौन कौन सी आउटपुट डिवाइस हैं, कौन कौन सी इनपुट डिवाइस हैं। तो इस सीरीज में मतलब इस वाले सेशन में हम आपके लिए लेके आए हैं एक आउटपुट डिवाइस के एग्जाम्पल, आउटपुट डिवाइस जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, प्रिंटर एंड प्लॉटर। तो प्रिंटर एंड प्लॉटर आप लोगों ने सभी ने सुना होगा, सभी जानते होंगे प्रिंटर एंड प्लॉटर से। सभी आप सभी ने प्रिंटर और प्लॉटर के बारे में या नाम प्रिंटर और प्लॉटर का सुना हुआ होगा कि ये ऐसी डिवाइस हैं जो हमारे लिए प्रिंट करती या कुछ छापती हैं, इतना तो सभी जानते होंगे। लेकिन हम इसके कुछ प्रिंटर और प्लॉटर एक डिफ्रेंशिएट करेंगे, हम प्रिंटर और प्लॉटर का मेन मेजर डिफरेंट क्या क्या होते हैं, प्रिंटर प्लॉटर की डेफिनेशन क्या होती है, एक अलग एक डेफिनेशन चार्ट के द्वारा हम आपको बताएंगे कि प्रिंटर और प्लॉटर आखिर होता क्या है और क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, किस सॉफ्टवेयर पे काम करता है, क्या इनकी स्पीड होती है, क्या क्या। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको लेके आए हैं काफी विस्तृत डिस्क्रिप्शन प्रिंटर और प्लॉटर, जो आपने सभी दुकानों पर या फिर हर जगह पे आपने चीजें देखी हैं, पोस्टर छपवा रहे हैं, आप कुछ प्रिंट करवा रहे हैं, अपनी लिखित चीजें प्रिंट करवा रहे हैं, नोट्स प्रिंट करवा रहे हैं, कुछ भी आप प्रिंटर या प्लॉटर की मदद से प्रिंट करा रहे हैं। तो देखिए वो कैसे प्रिंट होते हैं, क्या क्या होती हैं प्रिंटर और प्लॉटर में चीजें, क्या क्या इनके फीचर्स होते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलो हम देख लेते हैं अपना वीडियो और समझ लेते हैं। सबसे पहले हम आपके लिए लेके आए हैं प्रिंटर एंड प्लॉटर। तो प्रिंटर और प्लॉटर अलग अलग आप हमने आपको बताया है, अलग चार्ट की मदद से हमने आपको डिफ्रेंशिएट करके समझाने की कोशिश की है। तो प्रिंटर और प्लॉटर दोनों ही एक आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर और प्लॉटर दोनों ही क्या है, आउटपुट डिवाइस है। अब हम सबके अलग अलग क्षेत्र देखें कि क्षेत्र क्या होते हैं इनके, प्लॉटर के और प्रिंटर के। तो हम एक क्रम में चलते हैं और देखते हैं क्या क्या इनके क्षेत्र हैं, क्या क्या। तो सबसे पहले इन क्षेत्र में हम इनकी परिभाषा समझ लेते हैं कि प्रिंटर और प्लॉटर की परिभाषाएं क्या होती हैं। तो प्लॉटर की परिभाषा दी हुई है कि प्लॉटर एक डिवाइस है जो क्या करती है, इंस्ट्रक्शन और कमांड्स को कंप्यूटर द्वारा प्राप्त करती है और उसी कमांड्स या इंस्ट्रक्शन को उसके मतलब जो पेज होते हैं उसमें पेज पे उसको चित्र को क्या करती है, छापती है या बनाती है, प्रिंट करती है। इसका उपयोग हम क्या करते हैं, जैसे हम एक इसका इम्पॉर्टेंट हमने प्लॉटर देखे हैं, प्लॉटर का उपयोग ये होता है कि जो हमारे नक्शे भौगोलिक नक्शे हैं या मकान के नक्शे हैं तो ऐसे डिजाइन को प्रिंट करने के लिए हम प्लॉटर का उपयोग करते हैं। अब हम देखेंगे कि प्रिंटर क्या है, प्रिंटर की परिभाषा जान लेते हैं। प्रिंटर भी सिमिलरली काम करता है, इसका काम भी सिमिलरली प्रिंट करने का है। तो प्रिंटर एक ऐसी डिवाइस है जो लिखित एवं चित्र को पेज पर छापती है। तो देखो प्रिंट करने का काम इसका भी है इसका भी है, लेकिन दोनों के काम प्रिंट करने में दोनों में अंतर है। अंतर कैसा समझ लेते हैं, क्योंकि जो इसको डिवाइस को इंस्ट्रक्शन और कमांड्स मिलते हैं वो कंप्यूटर द्वारा मिलते हैं, तो कंप्यूटर के द्वारा तो इसको भी मिलते हैं, लेकिन ये जो हमारे डिवाइस है इसके निर्देश हमारे नेटवर्क से होते हैं, नेटवर्क से होते हैं। और काफी अलग जो आगे के हमारे पॉइंट्स हैं उनमें हम उसके फीचर्स भी जान लेंगे, लेकिन यहाँ फीचर परिभाषा से हम जानते हैं कि दोनों छापती हैं और ये लिखित और चित्र को छापते हैं। प्लॉटर के मुकाबले प्रिंटर शीघ्र गति से काम करता है। अब जो प्रिंटर होता है, प्रिंटर जो प्रिंट करता है, जो हम चीजें छपवाते हैं, कॉपी नोट्स वगैरह छपवाते हैं, और प्लॉटर से जो छपता है उसकी गति में, प्रिंट होने में और उसकी गति में बहुत अंतर होता है। ठीक है, अब आगे का पॉइंट देखते हैं। ये तो परिभाषा थी, आगे पॉइंट देख रहे हैं कि फाइल्स को पढ़ना। अब प्लॉटर और प्रिंटर फाइल्स को कैसे पढ़ते हैं, फाइल्स यानी हमारे जो डाटा है या फिर हमारे इंस्ट्रक्शन है कंप्यूटर में जो अपलोड है, जो फाइल्स हैं, जो गिवन फाइल्स हैं, उन फाइल्स को कंप्यूटर कैसे पढ़ता है, या कंप्यूटर सॉरी प्लॉटर और प्रिंटर कैसे पढ़ते हैं। तो प्लॉटर दी गई फाइल्स को
ए आई सी डी आर और डी डब्ल्यू जी और अदर वेक्टर फॉर्मेट में पढ़ते हैं। अगर हम इसके फुल फॉर्म देखें, कुछ समझने की कोशिश करें, तो फुल फॉर्म होते हैं एडोब इलस्ट्रेटर, एआई का होता है एडोब इलस्ट्रेटर, और सीडीआर एंड कोरल ड्रो ड्राइंग, और ये अदर ऐसे ही वेक्टर फॉर्मेट होते हैं जो इनको पढ़ने में ये सक्षम रहता है। ये एक प्रकार के सॉफ्टवेयर फॉर्मेट हैं, प्रोग्राम्स हैं जिन पर प्लॉटर काम करता है। इसी तरह सिमिलरली हमारा जो प्रिंटर है, प्रिंटर अलग इसके फॉर्मेट हैं पढ़ने के, तो ये जो फाइल्स को पढ़ता है उनको किस में फाइल्स में पढ़ता है, जेपीजी में, टिफ, पीडीएफ या फिर बीएमपी, ऐसी फाइल्स फॉर्मेट को प्रिंटर पढ़ पाता है, कैपेबल है पढ़ने में, और ये एआई सीडीआर और डीआर डीडब्ल्यूजी में पढ़ने में सक्षम है। तो प्रिंटर की जो सिंपली जो हमारे फाइल्स फॉर्मेट है वो क्या है, जीपीजी। जीपीजी का मतलब होता है ज्वाइंट पिक्टोरियल प्रिंटर करके ग्रुप करके ऐसा कुछ है, जीपीजी का एक्सपर्ट ग्रुप करके, और ऐसे पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट पीडीएफ का है। तो ये सारे हमारे इनके फॉर्मेट होते हैं जो हमारे क्या होते हैं, पिक्चर के सॉफ्टवेयर होते हैं, फोटो एडिटिंग प्रोग्राम्स होते हैं जिन पर ये रीड करता है। अब इसकी कीमत वाला हम देख लेते हैं, जो प्लॉटर होता है काफ़ी बड़ा होता है, प्रिंटर छोटा होता है, तो प्लॉटर की कीमत क्या होती है, अधिक होती है, और ये प्रिंट करना होता है इसकी जो कॉस्ट बोलते हैं अपन, कीमत होती है वो इफेक्टिवली जो वर्किंग एज कंपेरिजन वर्किंग की हमारे इफेक्टिव कॉस्ट ज़्यादा है, कॉस्ट ज़्यादा होती है, और एज कम्पेयर टू प्रिंटर इसकी कंपेरिजन में मतलब महंगी बहुत डिवाइस है। प्रिंटर के मुकाबले प्लॉटर काफ़ी कीमती डिवाइस है, और प्रिंटर क्या है, प्लॉटर के मुकाबले सस्ती है और किफ़ायती भी है। प्रिंटर जो है तो प्लॉटर के मुकाबले काफ़ी सस्ती और किफ़ायती है, वर्क करने में प्रिंटर ज़्यादा सक्षम है। अब गति पे बात कर लेते हैं, तो प्लॉटर और प्रिंटर की गति क्या है, तो प्लॉटर की गति है जो प्रिंट करने की है प्रिंटर के मुकाबले क्या है, काफ़ी धीमी गति है, ये काफ़ी धीमी गति से कार्य करता है, और जो प्रिंटर है वो शीघ्र गति से काम करता है कंपैरिजन टू प्लॉटर। अब इसमें सॉफ्टवेयर के बारे में जान लेते हैं कि सॉफ्टवेयर क्या क्या यूज होते हैं। सॉफ्टवेयर होते हैं सीएडी, फ्लेक्सी, कोरल, एडोब इलस्ट्रेटर, ऐसे इस तरह से एक्सेट्रा सॉफ्टवेयर का उपयोग जो इसमें प्लॉटर में सपोर्ट करते हैं। ये हमारे सॉफ्टवेयर हैं जो कंप्यूटर में इंस्टॉल रहते हैं, जो हमारे इंस्ट्रक्शन से इन्हीं सॉफ्टवेयर के इंस्ट्रक्शन से हम प्लॉटर पे काम करते हैं। तो ये सॉफ्टवेयर जो अगर पूछा जाए आपसे कि सॉफ्टवेयर कौन कौन से उपयोग होते हैं प्लॉटर में, तो सीएडी, फ्लेक्सी, कोरल और एडोब इलस्ट्रेटर जैसे हमारे पास जो सॉफ्टवेयर हैं वो प्लॉटर में यूज होते हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि हमारे प्रिंटर में कौन कौन से जो हैं सॉफ्टवेयर उपयोग होते हैं, तो फोटोशॉप और ऐसे ही बहुत फोटो एडिटिंग प्रोग्राम जैसे सॉफ्टवेयर हमारे प्रिंटर में उपयोग होते हैं। तो अब चलिए लास्ट हम देख लेते हैं, लास्ट बट नॉट लीस्ट, कहते हैं कहावत है लास्ट बट नॉट लीस्ट, तो हमारे गुरुकुल कोचिंग क्लासेस का यही मोटिव समझिए कि लास्ट बट नॉट लीस्ट। तो अब हमारा क्या है, उदाहरण देख लेते हैं लास्ट बट नॉट लीस्ट कि हमारे कौन कौन से प्रिंटर के टाइप होते हैं। तो ये है इंजेक्ट प्रिंटर, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंटर, पेन प्लॉटर इंस्पेक्टर, ड्रम प्लॉटर इंस्पेक्टर, तो ये हमारे प्लॉटर के कुछ एग्जाम्पल हैं। दोस्तों उदाहरण कुछ दिए हुए हैं, ये उनके नाम हैं, इंजेक्ट प्लॉटर क्या मतलब किस किस टाइप के प्लॉटर होते हैं, तो ये अलग टेक्नोलॉजी है, इसके डीपली हम अगले वीडियो में जाएंगे। अगले वीडियो में देखेंगे कि इंजेक्ट प्रिंटर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंटर प्लॉटर क्या होते हैं, ड्रम प्लॉटर क्या होते हैं, अगले वीडियो में इसके डीपली जाएंगे। और इसी तरह से प्रिंटर, 3D प्रिंटर, होम इंजेक्ट प्रिंटर, बिजनेस इंजेक्ट, LED प्रिंटर, ये कुछ इसके एग्जांपल हैं प्रिंटर के। तो आज के वीडियो में हमने देखा, आज के सेशन में हमने देखा कि मेन जो हमारे मेजर प्रिंटर और प्लॉटर में क्या क्या डिफरेंस होते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी अच्छा टॉपिक है जो हमारे सुपरटेट या सुपरटेट ना करके हर एग्जाम्स के लिए, हमारी बेसिक नॉलेज के लिए हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हमें जानना चाहिए, हमें आना चाहिए कि प्रिंटर और प्लॉटर होते क्या हैं, और प्रिंटर प्लॉटर की जानकारी एक बेसिकली सभी को होनी चाहिए।
तो प्रिंटर प्लॉटर के बारे में एक विस्तृत वीडियो आपके सामने प्रस्तुत की। आप कमेंट में जरूर बताएं आपको ये मतलब ये प्रिंटर और प्लॉटर पे वीडियो कैसी लगी, किस तरह से आपने इसको इफेक्टिवली सीखा, और पेन कॉपी लेकर आप इसको नोट भी कर लीजिए और आपके भविष्य में काफ़ी काम में आने वाला है। और ये टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हमारी वीडियो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से वीडियो है, तो आप इस वीडियो को जरूर देखिए, एंड तक देखिए और हमारे चैनल गुरुकुल कोचिंग क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वॉच कीजिए वीडियो को। धन्यवाद।